गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के कोर गेम प्ले में। आज हमारे शहर के अंदर एक इलीगल फाइट हो रही है। वहाँ पर इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स को लड़वाया जा रहा है। देखो सामने गोरिल्ला और दो पैरों वाला जानवर है। पता नहीं इन दोनों में से आखिर फाइट कौन जीतेगा। वो दोनों तो लड़ना शुरू हो गए। अभी तो मैंने पैसा लगाया ही नहीं, क्यों ना उनको रोक कर पहले जल्दी से इन पर पैसा लगा दूं ताकि जीतने पर मैं अमीर हो पाऊं। वो दोनों तो रुक ही नहीं रहे, मेरे को ही फाइट में घुसना पड़ा। क्यों ना बेसबॉल से मार मार कर दोनों को एक दूसरे से अलग कर दूं। ओहो चलो गोरिल्ला को भी मारते। अब तो मैं दोनों को साथ मार कर इस फाइट को रोक के रहूंगा। ये तो बार बार खड़े हो जाते। ओ भाई साहब वो दोनों तो गुस्सा होकर मेरे को मारने के लिए पीछे पड़ गए। क्यों ना ऊंचाई पर चढ़ जाऊं, पर वो दोनों तो यहाँ पर भी चढ़कर आ गए। ओह नो लगता है मेरे को और ऊंचाई पर जाना होगा। पर गाइस वो कमीने तो ऊंचाई पर भी पीछा नहीं छोड़ रहे। मेरे को ना चाहकर भी ऊंचाई से नीचे कूदना पड़ा, पर वो खुद भी कूद कर नीचे आ गए। क्यों ना यहाँ से भागकर जल्दी कोई कार चुरा लूं ताकि उसकी मदद से फरार हो पाऊं। नहीं 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 धत तेरी की, मैंने तो उसको कुचल दिया। पर गाइस व्हाइट वाला चिंपैंजी पीछा करते हुए इधर ही आ रहे। उसने तो कार को आग लगा दी। अच्छा होगा बाहर ही कूद जाऊं ताकि वो कार के साथ मेरे को न मारे। ओ माय गॉड अब वो कार के बजाय मेरे को उठा उठा कर फेंक रहा है। उसके हाथों बचना तो मुश्किल है। क्यों ना यहाँ से दूर भाग जाऊं, पर वो कमीना तो भागने नहीं दे रहा। अब तो मेरे को दुकान के अंदर जाकर ही छुपना होगा क्योंकि वो दुकान के अंदर नहीं आ सकता। ओ माय गॉड वो तो यहाँ भी आ गई है। देखो उसने तो मार मार कर कितना सारा खून निकाल दिया। उसके अंदर तो पावर और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। देखो दूसरा वाला राक्षस भी आ गया, पर सभी में ये गोरिल्ला काफी खतरनाक है। क्यों ना इसको बंदूक से मारने की कोशिश करूं, लगता है उसको कुछ हो रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे हार नहीं मानने वाला। आखिरकार उसका खात्मा हो गया, पर ये अचानक से कार आकर मेरे को कहाँ पर उठाकर ले जा रही है। अब एक कमीने मेरे को नीचे उतार। आखिरकार एक राक्षस का तो खात्मा हुआ, पर अचानक से दूसरा राक्षस इतना विशाल कैसे हो गया। शायद उसने काफी लोगों को खा लिया, अब उसका सामना करना मुश्किल होगा। क्यों ना इन लोगों की कार को लेकर मॉन्स्टर्स के पैरों से निकल कर भाग जाऊं। पर वो कमीना तो पीछा कर कर देखो मेरी तरफ ही आ रहा है। ऐसे तो उससे पीछा नहीं छूटेगा। क्यों ना कार को साइड लेकर फुल पर से नीचे कूद जाऊं। आखिरकार दिमाग लगाकर मैंने उस राक्षस से छुटकारा पा लिया, पर वो तो अचानक से आकर ट्रक फेंक कर मार रहा है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा वो इतने बड़े शहर में पता नहीं कहां से मेरे को खोज लेता है। और अब उठा उठा कर चबाने की कोशिश कर रहा है। अब तो समझो में गया, उसकी ताकत के सामने तो गोडजिला और किंग कोंग भी कुछ नहीं है। पर कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस राक्षस को खत्म किया जाए। उस कमीने ने तो मेरे को फेंक फेंक कर बास्केटबॉल बना दिया। देखो हमारे शहर के अंदर उसने कितनी तबाही मचा दी। अरे भाई बस कर और कितना मारेगा। क्यों ना यहाँ से भागकर कहीं पर छुपने की जगह खोजूं। लगता है यहाँ आसपास ही कारों की बड़ी पार्किंग है। चलो यही कहीं छुपकर उसके जाने का इंतजार करूं ताकि उसके हाथों से मरने से बच पाऊं। या फिर क्यों ना यहाँ पर जाल बिछाकर उसको मारने का प्लान बनाऊं। चलो गाड़ियों पर बम लगाकर उसके आने का इंतजार करें ताकि इन कारों के धमाके से उसको खत्म कर पाए। पर अब मेरे को भागकर कहीं दूर जाना होगा। ओ माय गॉड वो कमीना
वरना चलकर पार्किंग में ही आ रहे। बस थोड़ा पास आकर वो कारों के पास खड़ा हो जाए ताकि कारों में धमाका कर इस बड़े राक्षस को खत्म कर पाऊं। ओ माय गॉड काफी सारे धमाकों की वजह से उस राक्षस को तो कुछ हुआ। चलो यहाँ से कूद कर उसको पास जाकर देखते हैं। अरे वाह, आखिरकार मैंने इसको भी जान से खत्म कर दिया। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो मैं इसे शानदार वीडियोस बनाता रहूं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।